बादलगढ़ द्वार से प्रवेश करने के उपरांत दाईं और एक विशाल द्वार वाला कोट बना हुआ है, जिसका निर्माण सन 1512 ईस्वी के लगभग तोमर शासक मानसिंह द्वारा अपनी प्रेयसी गुजरी रानी मृगनैनी के आवास हेतु कराया गया था। भवन के मध्य एक विशाल खुला आहता है, जिसके चारों ओर विभिन्न आकार प्रकार के कक्ष बने हुए हैं। इनमें से कुछ कक्षों की छत झोपड़ी के आकार की बनी है, ताकि मृगनयनी को अपने गांव का आभास होता रहे। इस भवन में तत्कालीन जल व्यवस्था हेतु पक्की मिट्टी के पाइपलाइनों के अवशेष विद्यमान है, जो कथातित मृगनयनी के विवाह पूर्व मानसिंह के कक्ष रखी गई शर्तों का परिपालन हेतु निर्मित है। विवाह पूर्व मृगनयनी निन्नी द्वारा राजा मानसिंह से कुछ शर्तें रखी थीं। प्रथम शर्त थी, मेरे अतिरिक्त आप किसी अन्य से विवाह नहीं करेंगे। द्वितीय, मैं पर्दा नहीं करूंगी। तृतीय, मैं सिर्फ अपने रायगांव में रहने वाली नदी का जलपान करूंगी। चतुर्थ, मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, चाहे युद्ध क्षेत्र हो शिकार या यात्रा। मानसिंह ने अपने जीवन काल में मृगनयनी की सभी शर्तों का पालन किया, किंतु मृगनयनी से पूर्व उनकी 8 नानियां थीं। राजा मानसिंह ने मृगनयनी हेतु एक पृथक महल गुजरी महल का निर्माण कराया था। वर्तमान में इसमें एक संग्रहालय है। इस संग्रहालय में तत्कालीन ग्वालियर अंचल की उत्कृष्ट पाषाण टेराकोटा प्रस्तर धातु आदि की जैन शैव वैष्णव एवं बौद्ध प्रतिमाओं का संग्रहण अद्भुत है। यहाँ पर सोने चांदी एवं तांबे के विशाल सिक्कों का संग्रह भी है। हस्तलिखित ग्रंथ लघु चित्रों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। गुजरी महल के उत्तरी भाग में एक भूमिगत महल के अवशेष विद्यमान हैं। यहाँ पर आंग्ल पदाधिकारियों का विशाल कब्रिस्तान भी है।